और ये प्रैंक सूझा हमारी सभा मैडम को कि बहुत दिनों से मैंने रट लगाई हुई है कि मुझे येलो रेबन चाहिए, येलो रेबन चाहिए। तो उसने कहा कि ये ले लो जो बच्चों वाला आता है प्लास्टिक का, और शोएब को डराना कि मैं यही पहनूंगी। तो इसका जो रिएक्शन है वो बहुत ही लाजवाब था शोएब का, एकदम नम हो गए थे। वो आप देखिएगा उनके ब्लॉग में। वो शॉपकीपर वाले भैया को यकीन नहीं हुआ, वो आपस में एक दूसरे को कन्विंस कर ले कि नहीं हमें वही लगाना है। बताओ आप बताओ। अच्छा संग्रास, हाँ। मिल गए। हाँ। दिखाओ दिखाओ। अरे रे, क्या लेके आ रही हो तुम? ये पहनोगी? हाँ। शादी में? हाँ। सही है। कैसा है? कहाँ मिला? क्रॉफर्ड मार्केट। कैसा है? छोटा है। नहीं क्यों, अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है? अच्छा है, बट आई थिंक फ्रेम थोड़ा छोटा है। तो आप पहन के दिखाओ। नहीं। क्यों? बहुत मेरे तो फेस पे और छोटा रहेगा। अरे अच्छा रहेगा। बहुत छोटा है तो मेरे लिए तो सही है ना, मैं ये पहनूंगी संगीत में, सही है ना? तुम ये संगीत पहनोगी? हाँ। और तुम उसे लेके ये सब गिफ्ट किया है वो? नहीं, सबा नहीं पसंद करके दिया है कि भाभी ये संगीत पे बहुत अच्छा लगेगा, आप यही पहनना। ये रेहान के लायक है एक्चुअली। नहीं। हाँ। मेरे लिए अच्छा है ना? ये तुम्हारे लिए प्रैंक था। प्रैंक मतलब? मतलब ये वहां पे दिख, मैं जिनमें मैं जेन्युइनली देखते हैं मुझे कोई प्रॉपर एविएटर वहां मिलेगा, वो नहीं मिला। तो ये रखा हुआ था, तो सबने बोला भाभी ये ले लो, भाई को पहन के आप एकदम सीरियस बताना कि आप यही पहनोगे और उनका रिएक्शन देखना। पर जेन्युइनली इनकी हवाइयां उड़ गई थी, बेचारे मेरे वजह से ना भी नहीं बोल पा रहे मुझे मुंह पे, और मुझे देख देख के सोचे कि ये क्या उठा के लाई है ना। जेन्युइनली मैं सोच रहा था क्या उठा के लाई है। अब तुम्हारे ऊपर प्रैंक होगा, अभी तक मैंने एक बार भी प्रैंक नहीं किया है ना, अब ही होगा। पर ये अच्छा है।